नमस्कार, मैं राष्ट्रीय बाल भवन से अनिरुद्ध इस्लाम, पेंटिंग विभाग से आप लोगों को आज चारकोल ड्राइंग में सिखाऊंगा। मैं आउटडोर ही कर रहा हूँ चारकोल ड्राइंग। ये देखेंगे आप लोगों के सामने ये प्लांट्स रखा हुआ है, ये पॉट है, तो इसको ही मैं आज चारकोल में ड्राइंग करूँगा। तो शुरू करते हैं चारकोल ड्राइंग। तो आज इसके चारकोल पेंटिंग करने के लिए आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है वो मैं एक बार बता दूँ। चारकोल ड्राइंग करने के लिए जो जो सामान की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ड्राइंग करने के लिए आपको पेंसिल की ज़रूरत होगा। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग अच्छा कर लेते हो तो आप सीधा चारकोल स्टिक से कर सकते हो। जो ये जो चारकोल स्टिक देख रहे हैं, ये आपके पास अगर नॉर्मल सी अगर जला हुआ लकड़ी होगा उससे भी बना सकते हैं, या कैमलिन कंपनी का मार्केट में भी अवेलेबल है स्टिक, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये कैमलिन कंपनी का ही है, ये चारकोल स्टिक है, ये लकड़ी जला हुआ है। और ये किसी जगह का इरेज करने की ज़रूरत होगा तो इरेजर की है आपके पास, ये इरेजर रखना होगा। और बाद में चारकोल थोड़ा सा ये है जो आप डस्ट की तरह यूज होता है, ड्राई जो ड्राई पेस्टल है उसकी तरह, तो उसको फिक्स करने के लिए ये फिक्सर की ज़रूरत होगा। अगर फिक्सर नहीं है आपके पास अवेलेबल हो तो फेविकॉल का जो पतला सा घोल बना के आप इस पेंटिंग के ऊपर, ये इस ड्राइंग के ऊपर लगा सकते हो, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग करना। आप लोग डायरेक्ट चारकोल स्टिक से भी ड्राइंग कर सकते हो। मैं इसको सिंपल तरीके से बताने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें पेंसिल का ड्राइंग वैसे स्ट्रक्चर फॉर्म दे रहा हूँ। चारकोल क्या होता है, चारकोल जब हम लोग यूज करते हैं तो चारकोल में आपका ये होगा, जब आप यूज करने के बाद उसको इरेज करना बहुत टफ हो जाता है, इरेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए पेंसिल से अगर ड्राइंग कर लेंगे तो बाद में चारकोल से इसको शेडिंग वगैरह कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए मैंने रफ रफ से इसमें पेंसिल ड्राइंग कर लिया है, इसके बाद मैं चारकोल से इसके शेडिंग वगैरह जितना भी है फुल फाइनल जो ड्राइंग है चारकोल से करूँगा। इसमें ड्राइंग के साथ साथ आपको इस तरह से हल्के से हाथ से सेटिंग वगैरह भी करना रहना है, करते रहना है। और प्लस आप कोशिश करोगे ये ऊपर से नीचे की तरफ आने की, तो क्या ना, नहीं तो हाथ में आपके इस जगह में लग जाएगा, वो किसी दूसरे जगह में भी इसका जो ब्लैक इम्प्रेशन है वो आ सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
इसको थोड़ा सा डार्क टोन के लिए मैंने ये कैमलिन कंपनी के जो चारकोल स्टिक मिलता है वो यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपके जो फाइनल जो ड्राइंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें। इसमें लुक भी कितना ज़बरदस्त आ रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसका आप किसी भी तरह से मूव कर सकते हो और इसमें आपका डार्क टोन बहुत अच्छे से भी आ रहा है। मैंने ये चारकोल ड्राइंग अभी कंप्लीट कर लिया। इसको फिक्स, आपको पता चलेगा ये कितना डस्टी है, इसको फिक्स करने के लिए मैंने फिक्सर का यूज़ कर लिया। किस तरह से फिक्सर यूज़ करना है वो आपको दिखा दूँ। अब जब भी इसको फिक्सर को यूज़ करेंगे आप तो आपके आपके फेस पे फेस मास्क होना चाहिए, जैसे जो केमिकल होगा वो आपके लंग्स को ख़राब कर सकते हैं। मैंने ये चारकोल ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है और इसमें फिक्स भी कर लिया है। इसके बाद आप इसको फ्रेम करके घर में लगा सकते हो ड्राइंग स्पेस में या आपके बेडरूम में, तो अच्छा लुक देगा ये।